6 दिसंबर 2020 शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा कुसमुंडा क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से अधिक युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। छत्तीसगढ़ हेल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जिले में रक्त की कमी को देखते हुए कुसमुंडा क्षेत्र के गेवरा बस्ती सरस्वती शिशु मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संस्था द्वारा रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रेरणा स्रोत, प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर उनका आभार व्यक्त किया गया। आज यहाँ गेवरा बस्ती शिशु मंदिर कुसमुंडा प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी, वंदे मातरम परिवार समिति और बालाजी ब्लड बैंक के सहयोग से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। आज यहां लगभग 45 से 50 लोग ब्लड दे चुके हैं। आज क्षेत्र में लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण शहरी अंचलों में गांव और शहर का हर तीसरा व्यक्ति आज बीमारी कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित है, जिसके लिए उसको रक्त की जरूरत पड़ती है और रक्तदाताओं की कमी के कारण उनको ब्लड बैंकों को रक्त की पूर्ति करने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी संस्था है छत्तीसगढ़ हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी, तकरीबन 4 से 5 साल से हम लोग संस्था काम कर रही है रक्तदान क्षेत्र में। अभी तक हम लोगों ने लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को रक्तदान कराया है। जरूरतमंद जो सिकलिन बच्चे हैं, थैलेसीमिया जो एक्सीडेंट पेशेंट आते हैं, इनको तत्काल रक्त की जरूरत पड़ती है। अगर हम तत्काल रक्तदान करेंगे तो उनको जाँच करने में 5 से 6 घंटे लगता है, इसीलिए रक्तदान का शिविर लगाया जाता है ताकि ज़रूरतमंद को तत्काल में रक्त मिल सके। बहुत अच्छा है, जिसने हमने सोचा था उससे ज़्यादा लोग आकर रक्तदान कर रहे हैं। अभी तक लगभग 50 से 60 लोगों ने रक्तदान कर चुके हैं। अभी तक हम लोग का उद्देश्य है कि 101 लोगों को रक्तदान कराया जाए यहाँ।